देश सहित राज्य में कोरोना बीमारी ने कहर बरपा दिया है। इसका संक्रमण टालने लॉकडाउन किया गया है। इसका असर महाराष्ट्र राज्य परिवहन निगम के गोंदिया डिपो पर भी पड़ा है। 23 मार्च से 18 मई तक इस 58 दिनों में डिपो को 7 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। डिपो में 80 बसेस है। बसों के माध्यम से हर दिन 380 फेरियां होती थी, जिससे 12 लाख रुपए की आय एक दिन में डिपो को मिल रही थी। जबकि कोरोना का प्रभाव बढ़ने से 23 मार्च से संचार बंदी घोषित होने पर सभी बस फेरियां बंद कर दी गई थी। राष्ट्रीय परिवहन निगम डिपो प्रमुख के अनुसार सुरक्षा की दृष्टि से कर्मचारी को क्रमशः एक मास्क वितरित किया गया। इसी तरह सैनिटाइजर से बस पर छिड़काव किया जा रहा है। जिले में यात्रियों की संख्या नहीं होने से और बसों का संचालन करना मुश्किल है। BS क्राइम इंडिया न्यूज की रोजाना खबरों के लिए YouTube चैनल, वेबसाइट, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर लाइक, कमेंट और शेयर करें। साथ ही यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और गूगल प्ले स्टोर से BS क्राइम इंडिया न्यूज ऐप को डाउनलोड कर रोजाना खबरों के लिए हमसे जुड़े रहें।